हेलो एवरीवन, आज मैंने आपके लिए जो पैटर्न तैयार किया है ये मैंने वूल से किया है। और ये मैं आपको बताऊं, मैंने ये बारीक वूल है इससे मैंने किया है, लेकिन जो मैंने ये दरमियान में ये मैंने येलो वाली लाइन बनाई है, ये मैंने उससे भी बारीक ये गोले वाला धागा लिया है, ये वाला, और लीफ पे मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये वाला ये चीज़ मैंने कैसे बनाई है। तो यहाँ से हम दरमियान में से यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ पे हमने निकालना है ऐसे। इस तरह करना है, उसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ पे करेंगे इस तरह हमने करना है, और फिर ऐसा ऐसा हमने इसको ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इस तरह ये, और यहाँ से जो लीफ का यहाँ स्टार्ट जो किया था, एक स्टिच हमने वहाँ लगाना है और एक हमने ये ऊपर लगाना है यहाँ पे इस तरह। ये पूरा पैटर्न हमने इस तरह बनाना है। ये इसी तरह सारा हमने इसको कवर करना है। और ये आखिरी स्टिच हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे कोने पे, ठीक है। ये हमारा ये वाली चीज़ तैयार हो गई है। उसके बाद हम इसको ऐसे नीचे करके यहाँ पे ये ऑरेंज वाला हम करेंगे। अब हम इसको यहाँ से ये शुरू करेंगे, ये हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। इसको हम ऐसे हटा के ये जो हमने इधर से ये किए हैं इसको यूँ इस तरह, फिर दोबारा इसको ऐसे करके दो अगले, और फिर इसको ऐसे इस तरह हमने उसके बाद ये यहाँ से ऐसे हमने ये इसी तरह हमने ये पूरा हमने एक दफ़ा इधर आना है, फिर इधर आके फिर दोबारा वापस जाना है। और ये इस तरह हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, फिर इस तरह ये पूरा हमने चक्कर यहाँ तक इसी तरह लगाना है। अब ये हमारा ये पहले हम इधर गए थे, इधर से इधर आ गए, तो अब इसको हम यहाँ से हम फिर वापस जाएंगे, यहाँ से
हम दोबारा फिर वापस जाएंगे इस तरह। इस तरह हमने यहाँ तक ये कर लिया। हमारा तीसरा चक्कर भी यहाँ पूरा हो गया। अब हमने ये लास्ट इसको वहाँ तक जाना हमने, और ये हमारा लास्ट वाला चक्कर चौथा यानी कि चक्कर ये कंप्लीट हो गया है। ये हम इस तरह ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमने ये चेन बनानी है लेजी डेजी की, ये चेन स्टिच, ये हमने लेजी डेजी नहीं चेन स्टिच की हमने ये चेन बना देनी है इसके इर्द गिर्द। यहाँ पे इस तरह हमने चेन बनानी है। ये इस तरह हमने ये सारी चेन बना देनी है इर्द गिर्द। और ये हमारी चेन स्टिच सारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद अब हम ये लीफ बनाएंगे यहाँ पे ये लीफ बनाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे ये लीफ वो मैंने ड्रा किए हैं, तो हम इसको इस तरह बनाएंगे। हम ये ऊपर से शुरू करेंगे इसको, और यहाँ से ला के तो इस तरह हम करेंगे इसको इस तरह। तो इसी तरह हमें अब ये इसको हम ऐसे शुरू करेंगे, इसी तरह जैसे हमने ये बनाया इसी तरह ये हम तीन लीफ यहाँ पे बना। लीफ बनाने के बाद हम यहाँ पे ये लॉन्ग फ्रेंच नॉट यानी पोलो नॉट बनाएंगे। तो इसको हम थ्री बल देंगे, 1 2 3 थ्री बल देके इसको टाइट पकड़ के रखना है, और ऐसे हमने इसको बनाना है। ये मैंने पतले वाला धागा ये वूल का डबल थ्रेड लिया है इस तरह, 1 2 3 इस तरह हमने इसको बनाना है। इसी तरह हमने ये सारी इसका यहाँ पे ये कवर करना है। हमारा ये फ्रेंच नॉट कंप्लीट हो गया है,
और इसके बाद अब हम यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे और इस मिरर के लिए हम फ्रेम बनाएंगे पहले इसका वूल का और इसके ऊपर इस साइज़ का ये बनाएंगे, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा ये छोटा है। और इसको यहाँ पे इस तरह हम लपेट के इस तरह ऐसे बांध दे के तो इसको ऐसे पकड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह लेंगे ऐसे इस तरह हमने इसके बाल देने हैं यो। हमने इसको पूरा ऐसे बना लेना है ताकि ये इसका फ्रेम बन जाएगा। वैसे भी हम लगा सकते हैं लेकिन इस तरह थोड़ा इजी बन जाता है और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे। ये हमने पूरा इसी तरह ये बनाना है और ये हमारा रिंग तैयार है, लेकिन हमने एक दफ़ा इसको और बनाना है और इसको चौड़ा करने के लिए हम इसको इसी तरह से ही बनाएंगे। ऐसे इसको एक एक मिल दे के इसको हम दोबारा से इसको और चौड़ा कर लेंगे। इसको जितना मर्जी आप चौड़ा कर सकते हैं इस तरह। ये पूरा बना सकते हैं हम। अब ये हमारा रिंग तैयार है, ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, तो अब हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे यहाँ पे इस तरह। इधर से हम ऐसा ऐसा एक एक स्टिच लेके सारा हमने ये सिलाई करनी है। इसको लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से जैसे आपने शुरू किया है इस तरह और एक स्टिच से ऐसे करके अपने बैक की तरफ आना है, आगे नहीं जाना, बैक पे आना है ताकि इसका ये स्टिच जो है ना फिर ठीक बनता है। ये देखिए इस तरह ना ये बनता है। ऐसे ऐसा पीछे की तरफ इस तरह आ जाना है। इस तरह हमने मिरर लगा लिया है और ये हमारा पैटर्न तैयार है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।